दायित्व है, जिम्मेवारी है, बट उसके साथ भगवान का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स भी है। आज इस मॉडर्न दुनिया में हम देखते हैं कि हम सभी व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी माँ का वह दिल अभी भी मौजूद है जो अपने बच्चों के लिए धड़कता है और अपने बच्चों की देखभाल करता रहता है। अपने बच्चों को कोई हानि ना हो, यह डर की भावना मातृत्व है। हमारा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, यह भावना मातृत्व है। जब हमारा बच्चा कुछ हासिल कर लेता है, कुछ अचीव कर लेता है, जो वो प्राउड फील होता है, जो वो गर्व होता है, वो मातृत्व है। जब हमारा बच्चा कभी हताश होता है, दुखी हो जाता है, वो जो दर्द है वो मातृत्व है। हमारा बच्चा दूसरों से आगे हो, यह हर माँ की लालसा होती है, और ये भावना जो होता है कि हमारा बच्चा आगे हो, लीडर हो, ये जो जिम्मेवारी है ना, ये भी मातृत्व है। मातृत्व निश्चित रूप से जिम्मेवारी है, लेकिन साथ ही ये एक भगवान का आशीर्वाद है। मैं भी दो प्यारे बच्चों की माँ हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं, और मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ। बट इसके अलावा मेरे और भी बच्चे हैं जिन्हें मैं मेघाश्री का बच्चे मेरे बच्चे हैं जो मेघाश्री मेरा एनजीओ है। और सच कहूँ तो जब वो मुझे सीमा माँ कहकर बुलाते हैं, जो मुझे वो संतुष्टि की भावना मन में संचार करती है, वह सचमुच अद्भुत है। Ma'am, just wanted to know, any one thing that your mother taught you and you still, use it in your daily life, and one thing that you have taught your kid? My God, jo bhi sikha hai, namaste sabse pehle to sab, seema ji ka shukriya ada karna chahungi ki aisa beautiful occasion pe bulaya hai, aaj Mother's Day hai. और आप सब यहाँ पे ऑब्वियसली मदर्स हैं, दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ अस। एंड अब माँ ने जो भी सीखा है अब तक, माँ ने ही सिखाया है। और एक चीज़ क्या बताएं, जो है लाइफ में वो सब माँ की वजह से ही है, तो कोई एक बात कह के तो हम रुक नहीं सकते उसमें। और वही बात आई होप मेरा बेटा एक दिन कहे कि जो भी मैंने सिखाया माँ ने सिखाया, आई होप। लेकिन मैं यही कहूँगी कि माँ तो बन जाते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ जन्म देने से आई थिंक माँ नहीं बन जाते। जो सीमा जी ने जैसे कहा कि उनके बच्चे वहाँ पे बैठे हैं और मैं मेघा और श्रेय को देख रही थी, इतने वेल ब्रॉट अप और संस्कारी बच्चे हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि ये है कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एक्चुअली आप माँ हो या नहीं हो या कैलिबर क्या है, ये जैसे बच्चे बड़े होते हैं तभी पता चलता है। सिर्फ जन्म देने से आई डोंट थिंक हम माँ बन जाते हैं। हमने उनको अपब्रिंगिंग क्या दी है वो बहुत मायने रखता है। सो मेरी जो परीक्षा है वो मैंने अभी तक पास नहीं की है, बच्चा अभी तक बड़ा हो रहा है। जैसे आगे के साल जाएंगे, जिस तरह से रिटर्न्स आउट, उससे पता चलेगा कि मेरा रिपोर्ट कार्ड कैसा है। तो फिलहाल तो मुझे पता नहीं मेरा रिपोर्ट कार्ड कैसा है। एक तरह का प्रेशर होता है क्या मम्मी के ऊपर कि बच्चा बड़ा हो के कैसा बनेगा तो वो मेरे पे रिफ्लेक्ट करेगा, इज इट ट्रू? एक्चुअली देखा जाए तो देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ किसी को, मतलब आप एक ह्यूमन बीइंग को, एक माइंड को, एक सोल को आप इस दुनिया में लाते हो। तो अभी जब माँ कहती थी ना, माँ मैं बड़ी हो गई हूँ, बोलना बंद करो, तब वो कहती थी कि तू माँ बनेगी तब समझेगी। एंड आई अंडरस्टैंड दैट नाउ कि हम लोग सब सुन चुके हैं इस बात को कि माँ बनते हैं तभी समझ में आता है। एक्चुअली पेरेंट्स ऐसे जैसे बनते हैं समझ में आता है कि आप कभी भी माँ बनना, कितने भी बड़े हो जाए बच्चे और आप कितने भी बूढ़े हो जाए, पर आप माँ ही रहोगे और वो चिंता हमेशा ही रहेगी, वो ड्यूटी कभी खत्म होती ही नहीं। मुझे अभी घर जाके मेरी क्लास हो गई। तो अनुपमा के कैरेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें, साड़ी पहनना, जिस तरह से वो बोलती है, जिस तरह से वो बिहेव करती है, जिस तरह से उसके मैनरिज्म, जो सारी मेरी मम्मी के। सो मम्मी आई लव यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय मदर। मैं ये सवाल सबसे पूछ रहा हूँ, वन थिंग ऑफ योर मम्मी, अब पूरा ये नहीं कि सब चीजें जो मम्मी की है वो मेरे में है, वन यूनिक थिंग ऑफ योर मम्मी दैट यू यूटिलाइज इन योर डेली लाइफ, वन क्वालिटी, वन स्किल, वन पीस ऑफ एडवाइस, और वो एक ऐसी एडवाइस जो आप अपने बच्चों को देते हैं। मेरी मम्मी एडवाइस नहीं देती, ताने देती है। और मम्मी की एक क्वालिटी जो मुझ में है, शायद वो एक ही क्वालिटी मुझ में, क्योंकि बाकी मैं मेरे पापा की तरह, वो है बातें करना। सो मम्मी इज अ वेरी गुड ऑरेटर
बहुत अच्छा होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। मैं कोशिश करती हूँ उनकी तरह बोलने को, बट कई बार चुप जाती हूँ। बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत इंस्पायर करती हैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जो वर्क लाइफ बैलेंस अटेन कर रही हैं, जो मदर्स हैं और अपने अपने फील्ड में काम कर रही हैं। सो टुडे वी वर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे एंड आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड डेडिकेट ओनली वन डे टू सेलिब्रेट मदर्स एंड व्हाट दे डू फॉर अस। आई थिंक एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट मदर्स डे एंड आई यू नो आई होस्टेड द पैनल डिस्कशन टुडे एंड इट वाज सच अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी in discussion with some of the most powerful, wonderful, inspiring women of our generation. And I would like to thank my mother for this opportunity and everything that she does for me. Everything that I am today is all because of her, all the opportunities that she provides me, everything that I do, I owe it all to my mother. So on the occasion of Mother's Day, I just would like to say to, don't be shy to give a little extra love to your mother, because your mother can do anything for you and she does her best no matter what. नहीं नहीं जेलसी तो बिल्कुल फील नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा परिवार भी बढ़ गया है। वो जो हमारे सब एनजीओ के बच्चे हैं वो मेरे भाई बहन की तरह है। हम हर फेस्टिवल उनके साथ बिताते हैं, मेरा बर्थडे मैं उनके साथ बिताता हूँ, तो वो एक बड़े फैमिली के ही तरह है। तो ऐसा जेलसी नाम की कोई चीज़ तो ऐसा कभी मन में भी नहीं आई है। तो मम्मी के साथ कितना सपोर्ट करते हो? सो मैं मम्मा मेरे को बचपन से ही जो भी उसका हम काम करते हैं मम्मा मेरे को इन्वॉल्व रखती है, और जितना मेरे से हो सकता है। अभी मैं स्कूल में था, मेरा स्कूल अभी ख़त्म हुआ है, तो इस पर मेरे को और टाइम वक्त बताने को मेरे को मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बट उसके पहले भी हम सब जो भी करते हैं मैं मम्मा के साथ ही करता हूँ। मम्मा मेरी स्ट्रेंथ सपोर्ट है, सो जो सब है आई डू इट बिकॉज ऑफ माई मदर, फॉर माई मदर। सो I think I tell her every day how much she means to me, and it doesn't really have to be anything, even just spending time with her at night before she goes to sleep, or sharing a story or something bad that happened to me. I think every day I try to make it as special for her, and I don't think so today should be an exception, because she's my mother and she always will be. And yeah, that's it. Thank you. सारे बच्चों के साथ साथ अपने बच्चे उसमें जुड़ते जा रहे हैं, आपके हर एक काम में आपके साथ खड़े रहते हैं, दोनों बच्चों को हमेशा से देखा गया। क्या करेंगे इस मदर डे पे उन सभी बच्चों के लिए और खास करेंगे दोनों के लिए? आज मदर्स डे है, और जैसा आपने मेरे बेटे से पूछा कि आज स्पेशल वो क्या करें, मैंने अपने बच्चों में मैं हमेशा विश्वास की हूँ कि उनको ऐसा संस्कार दो कि वो हर दिन, जैसा उसने बोला कि हर दिन मदर्स डे है, कोई एक दिन नहीं है, और हर दिन मुझे स्पेशल फील कराते हैं, अपना रिस्पेक्ट देकर, अपना प्यार देकर। और जहाँ तक रहा बाकी बच्चों का, इन दोनों बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया है बाकी बच्चों को भी अपना बनाने के लिए। एक बड़ा सा हमारा मेघाश्रय का परिवार है, जिनकी मैंने जिम्मेवारी ली है, और उनको शिक्षित करना, हमारा शिक्षित और स्वस्थ रखना, यह हमारा दायित्व है, और ये कर्तव्य को मैं अपना दायित्व समझ के कर रही हूँ, जिसमें दोनों बच्चों का सहयोग है। तो इसलिए मेरे स्ट्रेंथ है मेरे दोनों बच्चे, और साथ में जो मेघाश्रय का इतना बड़ा परिवार बन रहा है वो भी एक कहीं ना कहीं मेरी शक्ति बन रही है, क्योंकि वो सारे बच्चे अपने फील्ड में, चाहे वो शिक्षा जगत हो या खेल जगत हो या अभिनय हो, हर क्षेत्र में उनको डिफरेंट स्किल में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक दिन वो जल्दी आएगा, 10 सालों में आप देखेंगे हमारा मेघाश्रय परिवार कितना स्ट्रांग होगा। मैम, यहाँ पर हर होम मेकर्स हो या बिजनेस वुमन हो या अलग अलग फील्ड में काम करने वाली महिलाओं, सबको आज यहाँ पर जो आपने सम्मान दिया है, क्या कहना चाहिए कि होम मेकर्स के लिए खास शब्द बाहर आया है, खास करके माओं के लिए क्या कहेंगे? जी, मैं जैसा आपने मेरा स्पीच सुना, होम मेकर जिनको बोलते हैं हाउस वाइफ, उनका योगदान जो परिवार के बनाने में और खास करके बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं अनदेखा रह जाता है, जबकि वो 24/7 अपना 100% देती हैं।
और उस मदर को सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि वो हाउसवर्क नहीं होम मेकर है, जैसा आपने सुना ये सब। और यहाँ पे हर व्यवसाय की लोग थी, चाहे वो पुलिस हो या सामाजिक सेवा से हो, IAS थी, IRS थी, डॉक्टर्स थी, खेल जगत से थी, सब महिलाओं ने अपने घर के दायित्व को, अपने मातृत्व के दायित्व को पूरा करते करते अपना नाम उन्होंने देश और विदेशों में भी बनाया है। ये बहुत ही सराहनीय है और ऐसी सब माओं को मेरा दिल से सलाम है, क्योंकि माँ एक शक्ति है, माँ एक वरदान है जिन्हें हमें सलाम करना चाहिए। एक क्वेश्चन हमने आज की युवा पीढ़ी देखा है, कुछ घर में बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं, हालांकि जिन लोगों ने माँ बाप ने उनको पार्क में बड़ा किए रहते हैं, लेकिन अपना परिवार होता है तो वो कहाँ जाए, घर में दादा दादी नाना नानी है तो उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं, उनको कहीं लेके नहीं जाते, तो उनको एक मैसेज दीजिए कि वो अपेक्षा न करें बुजुर्गों की। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिकॉज मैं एक ओल्ड एज होम चलाती हूँ जहाँ पे करीब 100 बुजुर्ग लोग रहते हैं। विश्वास कीजिए, जब मैं मिलकर आती हूँ, वो इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। एक माँ बाप, उनके 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, उनको वो पूरा ज़िंदगी संभाल लेते हैं, बट ये 4-5 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं संभाल सकते। ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है। मैं अपनी युवा पीढ़ी से, जो नए जनरेशन है, मैं दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, आप तभी आगे बढ़ोगे जब आपका रूट स्ट्रांग होगा, आप जब अपने माता पिता का सेवा करोगे, उनको मान सम्मान दोगे, तभी आप आगे जाओगे। आप अब जब खुशी, आप जो हासिल करने के लिए आप माता पिता को इग्नोर कर रहे हो, जब वो आपके जीवन में ही नहीं होंगे तो वो सफलता का क्या मायने है, और उनका आशीर्वाद आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। मैं बहुत काबिल नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं, बट हाँ, मेरे साथ किसी की दुआ है, मेरे साथ किसी का आशीर्वाद है जो मुझे ये शक्ति देता है कि मैं अच्छा काम कर सकूँ। तो मैं सब आप युवाओं से ये आग्रह जरूर करूँगी, अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, प्लीज़ उनको स्नेह सम्मान और इज्जत दें। थैंक यू। मैं सहमत हूँ कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक पावरफुल स्टेज है, स्टेप है, माध्यम है, मीडिया है, जहाँ पे सब लोग पोस्ट करते हैं। मैं इसको गलत वे में नहीं लेती हूँ। चलिए, कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया से ही लोगों को दिखा तो रहे हैं कि माता पिता को सम्मान कर रहे हैं। चलिए, वास्तविकता में करना चाहिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि जो माता पिता का मैं फोटो डाल रही हूँ या स्टेटस डाल रहे हैं, उनको वाकई में रियल लाइफ में भी सम्मान दें। मैं तो बचपन ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पति बहुत सपोर्टिव है। पहले पापा बहुत सपोर्टिव थे, ऐसा नहीं था कि लड़की है तो ये नहीं कर सकती। मेरे पापा टोटली वॉज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, माई ब्रदर इज टोटली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, माई हस्बैंड इज टोटली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, एंड आई एम श्योर माई सन जब वो देखता है ये सारी चीज़ें अपने घर में होती हुई, तो ही विल ऑल्सो ग्रो अप टू बी समबडी हु लव्स, रिस्पेक्ट्स एंड एनकरेजेस वुमेन। अनुपमा वही कहती रहती हूँ कि बस अपने सपनों में विश्वास कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, आप अपने सपनों को मत छोड़िए। आप कोशिश कीजिए उड़ान भरने की। हम में से हर गृहिणी को शत शत नमन कि वो लोग इतना करती हैं। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड टू बी अ होम मेकर। आई हैव बीन अ होम मेकर फॉर 6.5 ईयर्स। आई स्वेयर, मेरे करियर के जो 20 साल पहले के और अभी के जो हैं अनुपमा के, वो फिर भी बहुत ईजी हैं। लोग कहते हैं कि मैं दिन रात काम करती हूँ, वो फिर भी बहुत ईजी है। फिर भी मुझे 4-5 घंटे आराम मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, लेकिन गृहिणियों को नहीं मिलता। सो हैट्स ऑफ टू देम। एंड आई थिंक एक रिक्वेस्ट है उनकी फैमिली से कि प्लीज़ सब अपने मम्मी को, चाहे अपनी दादी ही क्यों ना हो, उनको एनकरेज करें, बिकॉज वी ओनली हैव 1 लाइफ। और अगर उसमें कोई सपना मन में है, अगर कोई एक चाह मन में है, तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। टैलेंट हम सब में होता है, किसी ना किसी तरह का टैलेंट हम सब में होता है। भगवान ऐसा किसी को भी नहीं भेजता, कोई ना कोई हुनर होता ही। तो अपने हुनर को किसी तरह से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए। और आजकल तो इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं, जहाँ आप अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं, तो प्लीज़ उसे यूटिलाइज़ कीजिए। एंड फैमिली से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
ऐसी महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी घर की लक्ष्मी अगर अपनी पहचान बनाएगी तो आपका घर और सुखी होगा। लगता है सिर्फ मदर्स डे वो फेमस मदर्स के लिए नहीं है, वो माँ के लिए है जो सुबह उठ के सबके लिए खाना पकाती है, वसई से जाती है चर्च के ट्रेन में, काम करती है दिन भर, फिर वापस जाती है, बच्चों को संभालती है, पति को खाना देती है, सास ससुर का ध्यान रखती है। सिर्फ एक माँ कर सकती है इतने सारे रोल्स। और मैं यही कहूँगी कि इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ एवरी इंडियन मदर हु empowers others through this commitment day in and day out. बिल्कुल, मैं सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ। कहते हैं कि माँ कितना मधुर और पवित्र संबोधन है, और माँ का नाम लेते ही जो हमारे दुख होते हैं ना वो सुख की गंगा बनकर बहने लगते हैं। माँ के प्यार का ना आदि होता है ना कोई अंत होता है। माँ होती है जो कि बच्चे के पेट में आने से पहले उसे स्नेह करती है, पेट में आने पर उसे प्यार करने लगती है, और उसे जन्म देने के कुछ मिनटों में उसके लिए वो मरने को भी तैयार हो जाती है। तो ऐसी होती है माँ कि लबों पे कभी उसके बद्दुआ नहीं होती है। एक माँ होती है जो उससे कभी खफा नहीं होती है, कभी खफा नहीं होती। और सीमा जी को मैं सबसे पहले तो सीमा जी का बहुत आभार भी प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने इस तरह के मदरहुड को सेलिब्रेशन करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। मेगा श्रेय उनके दोनों बच्चे हैं, उनके नाम पर आधारित एक कार्यक्रम है। और सीमा जी विभिन्न तरह के कार्यक्रम करती रहती हैं, वो खुद एक अच्छी माँ हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारी इन महिलाओं का जो कि माँ है अपने आप में, जो घर और बाहर दोनों की दुनिया संभाले हुए हैं, उनका क्यों ना सम्मान किया जाए। कि किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। नमस्कार, जय जिनेन्द्र और जय हिंद, भारत माता की जय। आज मैं यही कि जो 70s में मैंने नहीं किया उस टाइम हाउस वाइफ थी, तो अब मैं 70 ईयर्स की होके मैंने अभी शुरू किया है 6 रसाल, जो कि माँ के हाथ का खाना। वैसे सब खाना खाते हैं लेकिन जो माँ के हाथ का जो खाना होता है वो स्पेशली होता है। और ये अवार्ड मुझे मिला है उसके लिए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये अवार्ड मिला है माँ आपको माँ होने के लिए। माँ नहीं, मैं तो माँ तो पहले भी थी लेकिन अभी देरा दुरुस्त आया है। आई थिंक सारे जो होम मेकर्स होते हैं ना वो हमेशा अपने आप को थोड़ा अंडर ही फील करते हैं, यू नो। इट्स तो मैं ये कहना चाहूँगा टू ऑल द होम मेकर्स, टू वहाँ पे जो सारी करोड़ों औरतें जो माँ बनी हुई है, जो होम मेकर्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, आप लोग कमाल है रियली। अगर मम्मी 70 की उम्र में एक नया करियर स्टार्ट कर रही है, दिस इज द फर्स्ट करियर एवर आफ्टर मैरिज, उन्होंने 6 रसा स्टार्ट किया, इट्स अ क्लाउड किचन, एंड आई थिंक अगर ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। बस आप में वो जो है ना वो जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, जुनून होना चाहिए। और वो जो हाउस वाइफ का जो टैग है ना वो हमें हटा लेना है। हाउस वाइफ रहेंगे लेकिन हम साथ में ये भी करेंगे। सीमा जी का क्या कहेंगे? सीमा जी ने आज हमें ये अवार्ड दे के बहुत ऊपर उठा दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहला अवार्ड, आई थिंक पहला जिंदगी में पहली बार, रियली यू गॉट एन अवार्ड। और कितनी देर है, दुरुस्त है, बट रिकग्निशन कौन नहीं चाहता है। लेकिन हमेशा क्या होता है कि खाली काम के ऊपर रिकग्निशन होता है, हमने काम किया तो आपको रिकग्निशन मिलेगा। अब हाउस वाइफ हो तो या होम मेकर करो तो अवार्ड नहीं मिलेगा, एंड दैट्स सो सैड, यू नो। एंड मॉम, आई एम प्राउड ऑफ यू रियली। आप बता लग जाए।